Hey, what's up guys, this is Zain Crazy and I welcome you all to this brand new video. जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे हूँ. यह है मेरा होम यूट्यूब स्टूडियो. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन जरूर कंप्लीट हो चुकी है बट सारा जो सामान है अभी वो सेट करने वाला है. एज यू कैन सी मैं आपको अभी दिखाता हूँ. ये रहा कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ और ये देखिए इधर सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है सामान, सारा कैमरा LEDs एक पीछे लगा दी है. तो अभी सारी सेटिंग होने वाली है, जल्दी ही सब कुछ रेडी हो जाएगा. सो एनीवेज, मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ आपको और कुछ सेटअप करने जा रहा था मैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था. म्यूजिक से रिलेटेड है इसलिए ये वीडियो इंक्लूड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो अपलोड नहीं करता अपने यूट्यूब चैनल पे. एज यू नो मैं सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ और रैप सॉन्ग्स बनाता हूँ. सो गाइस, ऐसा है कि पहले मैं यूज कर रहा था 2.1 स्पीकर, F210X मॉडल है, F&D का 2.1 स्पीकर सिस्टम है. जो पहले रूम में जिसमें मैं काम करता था वो बहुत ही छोटा रूम था, तो ये रूम काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए ये स्पीकर की वॉइस जो होगी, स्पीकर की जो बेस वगैरह होगी वो थोड़ी कम पड़ेगी. तो जुगाड़ सा करने जा रहा हूँ. मेरे पास दो स्पीकर्स इंस्टॉल थे, दो वूफर्स इंस्टॉल थे मेरी कार में, बट अब मैंने एक निकाल लिया है तो एक वेस्ट पड़ा था. मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ करूँ अपने इस होम यूट्यूब स्टूडियो में. तो करूँगा क्या, मैं इस सब वूफर को खोलूँगा और जो वायर सब वूफर को जा रही है, जो इसका इंटरनल सब वूफर है जो उसको वायर जा रही है, उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इस वायर के साथ. तो जो आउटपुट होगी, जो करंट होगा, वो इसको भी सप्लाई मिलेगी और इसको भी पावर मिलेगी. और देखना ये है कि क्या ये इसको पूरी पावर दे पाता है, क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और क्या आप भी ऐसा जुगाड़ करके अपने होम एंटरटेनमेंट को और एनहांस कर सकते हैं जो आपके पास पड़ी हुई चीज़ें हैं, या फिर ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्पीकर आपके पास वूफर वगैरह पड़ा है घर में तो उसको यूज़ में ला सकते हैं. अपने सिंपल से 2.1 स्पीकर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा बेस प्रोवाइड करने वाले होम थिएटर में. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है. जस्ट आपको सबवूफर के जो स्क्रूज हैं उनको खोलना है. सो मेरे पास है अमेजोन बेसिक्स की हाई क्वालिटी वायर जो स्पीकर्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है. सो दैट आपको क्वालिटी में कोई लॉस ना हो जब भी आप अपनी वायर को एक्सटेंड करते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी साउंड क्वालिटी लॉस ना हो तो हमेशा अच्छी वायर में इन्वेस्ट करें. यह है अमेजोन बेसिक्स की, ये 100 फीट की मैंने ऑर्डर की थी अमेजोन से, देख सकते हैं. सो इसके अंदर देखते हैं आप, वूफर तो काफी छोटा है इसका. वायर को बड़े ध्यान से कट करना पड़ेगा, देखिए पूरा सर्किट है अंदर. तो अगर हम ज्यादा कुछ हिला देंगे तो काम खराब हो जाएगा. जस्ट इस वायर को कट करना है. ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था. जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ईजिली कर पाएं अपने घर में. बड़े ध्यान से कट करना है आपको बिकॉज ऑलरेडी वायर बहुत छोटी है तो जितनी आप वेस्ट करेंगे उतना ही नुकसान होगा आपका. तो बहुत ध्यान से बारीकी से इसे कट करें. देखिए
इसको थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कट कर ली है वायर, और अमेज़ॉन की वायर को भी ऐसे ही कट करना पड़ेगा। जो ब्लैक वाली है उसको ब्लैक वाली के साथ कनेक्ट करना है। मैं डायरेक्टली अपने वूफर की वायर इसके साथ नहीं कनेक्ट कर रहा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस वायर मेरी ज़्यादा लंबी हो, इन केस मैं फ्यूचर में प्लान करूँ कि अपने सब वूफर को कहीं और प्लेस करना है तो ईजिली कर पाऊँ, इसलिए वायर को थोड़ा लंबा ही रखूँगा मैं। देख के आपको पता लग सकता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है इसकी। ये कटर ऑटोमेटिकली थोड़ा रुक जाता है जब कट हो जाती है वायर, तो इससे हमें पता लग जाता है इजीली। पहले मैं सीजर से काटता था तो प्रॉपरली नहीं कट हो पाती है। सो ये वायर कटर को ज़रूर आप यूज़ करें, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। ऐसी टेप का आपको यूज़ करना है इन सबको जोड़ने के लिए। सो गाइस, मैंने बिल्कुल सिमिलर तरीके से दूसरी वायर को भी कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसे वापस इंसर्ट कर देंगे। और गाइस, एज यू कैन सी कि यहाँ से वायर जा रही है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एयर यहाँ से अंदर जा सके। सो मैं छोटा सा यहाँ पे एक मैं इसको थोड़ा टेप से कवर कर दूंगा, सो दैट थोड़ा ये अच्छे से ब्लॉक हो जाए। इनफैक्ट इससे भी अच्छा मेरे पास मटेरियल है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक्चुअली डोर सील है, बट यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं अगर जैसे डोर्स में नॉइस आती है तो, ये ब्लॉक करने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए यूज़ होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लगा सकता हूँ, सो दैट ये हिले ना बिल्कुल भी, अच्छे से ब्लॉक हो जाए। थोड़ा सा दूसरी साइड भी इसे लगा दूँगा। ये पूरा रोल आता है ऐसे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें इस वीडियो की, कुछ भी नहीं पता चल रहा तो वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से इसे ब्लॉक कर दिया है। अब जो लास्ट चीज़ मैं करने वाला हूँ वो है इस स्पीकर की वायर को अमेज़ॉन वाली वायर से कनेक्ट करना। सच बोलूँ तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, बिकॉज ऐसे पंखे लेने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बचपन से ही मेरा शौक रहा है नए नए स्पीकर्स लेने का, वूफर्स लेने का। बट अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेना चाहते तो जो कुछ भी है आपके पास, आप उससे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ज़रूर कर सकते हैं।
म्यूज़िक क्वालिटी को कुछ ना कुछ इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कुछ है उसका बेस्ट यूज़ करें। और बाकी मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए जितना मेरे से हो सकता है। ओके सो गाइस, वायरिंग हो चुकी है। सो गाइस फाइनली डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है बेस। आपको भी फील हो रहा होगा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है बेस में। व्हाट आई वांटेड वाज कि मैं दोनों साइड पे स्पीकर्स रखूं, उधर मैं टेबल प्लेस करूंगा, उस पे मैं स्पीकर को प्लेस करूंगा। ये वाले इसलिए मैंने वायर लंबी यूज की है बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट बोथ दीज वूफर्स। तो ये वाला जो वूफर है ये टेबल के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला ऑलरेडी इट्स बिग इनफ। डेफिनेटली आवाज इंक्रीज हुई है। ये जो स्पीकर्स हैं ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे एलईडी के आसपास, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। इसकी भी वायर्स थोड़ी छोटी हैं, मैं इसको भी अमेजोन बेसिक्स की जो वायर है उसके साथ इसे भी एक्सटेंड करके यहाँ पे रख लूँगा। सो ये कंप्लीट सिस्टम रेडी हो जाएगा। डेफिनेटली गाइस अगर आपके पास भी ऐसा कोई जुगाड़ है घर में तो प्लीज़ इसे ट्राई करें। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज बूस्ट इन बेस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, एफर्ट कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोस आपके लिए आने वाली है। एंड दिस वूफर इज ऑल्सो वर्किंग। ये मैं सोची कि ये बंद हो गया है उसके चलने से, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चल रहे हैं। बट आई वुड से कि जैसे एम्पलीफायर पूरी पावर देता है वूफर को, उतनी पावर ये नहीं दे पा रहा है, बट डेफिनेटली इट्स डूइंग द जॉब। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। स्टे ब्लेस्ड।